वेलकम स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th सब्जेक्ट हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। यानी कि आज हम इस चैप्टर में प्रिंट कल्चर और मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रिंट कल्चर यानी कि जो हमारे पास आज प्रिंटेड मटेरियल्स हैं, जिस तरह से बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, जिस तरह से हमारे पास न्यूज़पेपर्स हैं, तो इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है कि प्रिंट कल्चर जो है कब स्टार्ट हुआ, किस कंट्री से स्टार्ट हुआ, और सबसे पहले जो प्रिंटिंग सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम था। तो उस सिस्टम के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो प्रिंटिंग सिस्टम जो है वो सबसे पहले चाइना से स्टार्ट हुआ है। यानी कि जो फर्स्ट प्रिंटेड बुक जो हैं, जो प्रिपेयर की गई हैं, वो सबसे पहले जो है चाइना में स्टार्ट हुआ है। जिस तरह से द अर्लीस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजी जो है वाज डेवलप्ड इन चाइना अराउंड 594 AD ऑनवर्ड्स। यानी कि सबसे पहले जो प्रिंटिंग सिस्टम जो डेवलप हुआ वो चाइना में हुआ। कब हुआ? अराउंड 594 AD के आसपास। यानी कि जो आज हमारे पास जो बुक्स हैं, जो प्रिंटेड बुक्स हैं, तो इस प्रिंटिंग सिस्टम के बहुत सारे फेजेस गुजरे हैं। यानी कि सबसे पहले जो प्रिंटिंग सिस्टम जो स्टार्ट हुआ, उस प्रिंटिंग सिस्टम को वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम कहा जाता था। उसके बाद जो नेक्स्ट जो फेज़ में जो प्रिंटिंग सिस्टम पहुंचा, उसको बोलते हैं मैकेनिकल। जो आजकल जो हमारे जो पास जो प्रिंटिंग सिस्टम है, तो जो आज हमारे पास जो मटेरियल आता है, जो प्रिंटेड मटेरियल आता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग। तो इस तरह से जो सबसे पहले जो बुक्स जो हैं प्रिंटेड की गई, वो किस टेक्नोलॉजी से, किस प्रिंटिंग सिस्टम से जो है वो शुरुआत की गई, वो हुई वुडन ब्लॉक से। ठीक है, और ये वुडन ब्लॉक जो है सिस्टम क्या था, प्रिंट कैसे किया जाता था, बुक्स कैसे प्रिपेयर की जाती थी। तो सबसे पहले वुडन पीस लिया जाता था, और वुडन पीस को क्या किया जाता था, रब किया जाता था। तो उसकी सरफेस जो है वो स्मूथ बनाई जाती थी, और स्मूथ बनाने के साथ साथ वो पेपर जो है वो थिन पेपर बनाया जाता था। और उसके बाद जो अल्फ़ाबेट्स होते थे, उन अल्फ़ाबेट्स को इंक डाली जाती थी, और उसके बाद उन अल्फ़ाबेट्स को उस जो स्मूथ रबिंग जो वुडन पेपर होता था उसके ऊपर पेस्ट किया जाता था। तो एक जो है बुक प्रिपेयर की जाती थी, और उस बुक को जो नाम दिया जाता, उसका नाम था अकॉर्डियन बुक। यानी कि सबसे पहले जो बुक प्रिपेयर की गई वुडन ब्लॉक सिस्टम से, उसका नाम था अकॉर्डियन बुक्स। और ये बुक जो है वन साइडेड जो है इस पे मटेरियल होता था, यानी कि वन साइड इसको प्रिंट किया जाता था, तो दोनों साइड्स इसको प्रिंट नहीं करते थे। यानी कि ये जो बुक प्रिपेयर की जाती है, फोल्डेड बुक्स होती थी, 5 or 6 पेजेस की बुक्स होती थी, और इसके ऊपर जो प्रिंट किया जाता वन साइडेड प्रिंट किया जाता। अगर दोनों साइड प्रिंट करते तो वो जो लेटर्स होते थे अल्फ़ाबेट्स, वो मिक्स हो जाते थे, तो वो फिर पढ़ने नहीं आते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो सबसे पहले जो प्रिंटिंग सिस्टम जो डेवलप हुआ वो चाइना में हुआ। और कब हुआ? अराउंड 594 AD। और उस प्रिंटिंग सिस्टम को क्या कहते थे? वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग। और वो बुक जो है कैसे प्रिपेयर की जाती थी? जो पेपर किसका होता था? वुडन का होता था, वुड का होता था, वुड पीस का होता था। उसके बाद रब किया जाता, उसको स्मूथ किया जाता, उसके बाद थिन बनाया जाता, उसके बाद उसको अल्फ़ाबेट जो है वो पेस्ट किया जाते थे इंक लगा के। ठीक है, और ये सबसे पहले जो प्रिंटिंग सिस्टम जो है ये इंपीरियल स्टेट ऑफ चाइना ने स्टार्ट किया। और मेन जो रीज़न जो है इसके पीछे जो था वो था कि वहाँ पे वो एक जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है वो बनाना चाहते थे, कि वहाँ पे जो पर्सनल्स होंगे इंपीरियल स्टेट के, वो वेल इंटेलिजेंट होने चाहिए। ठीक है, वाइज होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बुक्स प्रिपेयर करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो जब बुक्स प्रिपेयर करनी शुरू कर दी, उसके बाद उन्होंने जो है कैंडिडेट्स का जो है चूज़ करने के लिए, ब्यूरोक्रेट चूज़ करने के लिए, उन्होंने एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करना शुरू कर दिया। और उस एग्जामिनेशन को सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कहते थे। तो इसके ज़रिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ज़रिए, वो जो है वो वेल जो है इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स को जो है सेलेक्ट करते थे, ताकि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्मूथली चला सकें। ठीक है, तो एटलीस्ट 16th century तक ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ही जो है प्रिंटिंग सिस्टम जो है वो शुरू हुआ और वहाँ तक चलता गया। लेकिन 17th century में और ऑनवर्ड जो है, इसमें बहुत सारे जो है डिफरेंट पर्सन ने जो है वो
जो ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने डे टू डे लाइफ में जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिस तरह से ट्रेडर्स मर्चेंट्स, ठीक है, तो ट्रेडर्स मर्चेंट ने डिफरेंट जगहों से ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया, ठीक है, या कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, या क्रेडिट या डेबिट्स को उन्हें जो है लिखने के लिए इस प्रिंटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे जो है जो स्कॉलर्स थे, जो प्रोफेसर्स थे या टीचर्स थे, ठीक है, उन्होंने फिक्शनल नरेटिव्स, ऑटोबायोग्राफीज, ठीक है, और जो है डिफरेंट जो है पोइट्रीज वगैरह जो है वो लिखनी शुरू कर दी। तो इस तरह से फिर ये प्रिंटिंग सिस्टम जो एक जो इंपीरियल स्टेट ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए शुरू किया, लेकिन उसके बाद जो है ये जो है पूरा जो है पूरी सोसाइटी में जो है वो फैल गया, और बहुत सारे जो है वो सोसाइटी के मेंबर्स ने जो है इसको अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो थैंक्स, आज का ये इनिशियल जो है इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट था, तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका डिस्कस करेंगे। थैंक यू।